आज का टॉपिक करेंगे हम बायोलॉजी। जैसा बच्चों के रिक्वायरमेंट थी कि सेल का टॉपिक मिसिंग था, चलो उसको कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी है, मेन बातें आप बुक में देख भी सकते हो, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। और एक बात जो मैं अपनी वीडियोज में कहता हूँ, क्लासेस में बताता हूँ सबको, कि कोई भी चीज समझनी हो तो उसका बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए, तब बातें जाके क्लियर होती है। जैसे ये वर्ड लिखा अभी बायोलॉजी, पहले आप ये समझो, बायो इंग्लिश का रूट वर्ड है, बायो मींस लाइफ और लॉजी मींस स्टडी। सो बायोलॉजी को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। अब जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक हैं या कोई भी फोकस आप वैसे भी करना है, तो पहला काम जब आप किसी भी टर्म को पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए ये टर्म लेके कौन आया था। ये एक बड़ी मेजर बात है, क्वेश्चंस यहीं से बनने शुरू होते हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जरूरी भी है। बायो शब्द का इस पूरे वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1801 में। लैमार्क और ट्रेविरेंस इन्होंने पहली बार यूज किया, पर इसका मतलब कोई आप ये नहीं समझोगे बायोलॉजी इससे पहले थी नहीं। बायोलॉजी थी, वर्ड फर्स्ट टाइम कॉइन हुआ है। जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है वो हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं और उस फिनोमिना के हिसाब से फादर ऑफ बायोलॉजी। हम जानते अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अब देखते हैं बायोलॉजी को जनरली दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक पार्ट है बॉटनी का, जिसमें आप सारा प्लांट्स वगैरह की स्टडी देखते हो, और एक पार्ट बनता है हमारा जूलॉजी का, जिसमें एनिमल को पढ़ते हो। या मैं सिंपल भाषा में कहूं तो एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम, ये आप डिवाइड करते हो। यहां पे जो ये बॉटनी आप देख रहे हो, बॉटनी के फादर है थियोफ्रस्ट। जूलॉजी सेम, अरस्तु जब स्टडी लेके आए थे तो इनका पूरा फोकस ही था जितना भी था एनिमल किंगडम के ऊपर था, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये वही समझाना चाहते थे। सो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोथ इज अरस्तु, एंड हियर फादर ऑफ बॉटनी रहेंगे थियोफ्रस्ट। एक कुछ एक कॉमन बेसिक बातें हैं, इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा, अभी आपने कहा जीवन का अध्ययन, यह बायोलॉजी का मतलब ही है सजीव, तो जीवन क्या है? इस वर्ड को जब रिलेट करते हो तो एक वर्ड हमारे पास आता है सजीव, या बायोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? देखो ऑर्गेनिज्म वर्ड तो मैं और बाद में उठाऊंगा, पहले आप लिविंग का मतलब समझो। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कुछ एक खास बातों से जानते हैं। जैसे आप बच्चे को देखते हो, छोटा बच्चा पहले बहुत छोटा होगा, धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मतलब एक कॉमनली हम ग्रोथ का चेंज देखते हैं। लेकिन आप अपने घर पे एक दीवार बना दो 10 फीट की, वो दीवार कभी ग्रो नहीं करती एक बार बनने के बाद, मीन्स वो डेड है। जो ग्रो कर रहा है पहला सिंबल होगा ग्रोथ करना, सेकेंड सिंबल हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है, ये प्लांट्स के अंदर भी होता है। आप सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर पानी पड़ा हुआ देखते हो, फोटोसिंथेसिस करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बस केमिकल रिएक्शन होना, मेटाबॉलिज्म वर्क करना, ये भी सजीव की निशानी है। तीसरी बात जो यहाँ वर्क करती है, देखो रिप्रोडक्शन, जो एक दीवार है वो नई दीवार नहीं बना सकती, बट जितने एनिमल्स ना वो खुद के जैसे नहीं बना सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन का। फोर्थ होता है जो अपने आस पास के एटमोस्फेरिक चेंजेज हैं उनको रिस्पॉन्स करना, मतलब मजाक की बात करूँ तो कोई आपको एक रख दे थप्पड़ खींच के, नॉट काइंड ऑफ सीरियसली, बट अगर ऐसा होता है तो आप रिस्पॉन्स करोगे, रिएक्ट करते हो। या कुछ एक प्लांट भी ऐसे आते हैं जिसको टच मी नॉट प्लांट के नाम से हम जानते हैं, आप छूओगे वो पत्तियाँ छुपा लेगा आपके, शाही प्लांट आप कहते हो उनको। लेकिन अगर आप दीवार में बारिश आ रही है, धूप आ रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे स्टैंडिंग है वो। सो ये कॉमन डिफरेंस है, ये सजीव है, वो चीजें निर्जीव है। एक बात अब ये वर्ड बोले ऑर्गेनिज्म, दिखने में वैसे कितना ही छोटा हो जीव, लिविंग है ना, सह और आगे लगा दिया अपने जीव, लेकिन इस वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। बायोलॉजी सब कुछ यही हिडन है। तो इसमें देखो क्या होता है, शुरुआत में
मैं एक सीक्वेंस आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब लाइफ शुरू होती है तो एक सेल आती है, कोशिका। इस सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट। आपको जिसकी डिमांड है, जो सेल पढ़ना है आपने, जब सेल से इकट्ठी होंगी तो टिश्यू बनेंगे। इस वी कैन से ग्रुप, सेल्स के ग्रुप ये है क्या आगे आएंगे। टिश्यूज इकट्ठे होने से बनता है ऑर्गन, एक अंग बनेगा। जब ऑर्गन पूरे चल पड़ेंगे, काफी सारे ऑर्गन बन जाएंगे, तो वो होगा ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और जब पूरे अंग तंत्र विकसित हो जाते हैं तब जाके बनता है एक ऑर्गेनिज्म, ये होता है जीव। और इसका लाइफ का सीक्वेंस आपने पढ़ लिया, ये बेसिक है। अब हम जो मेजर पार्ट है, जो सेल है, इस पे फोकस करेंगे अपना। पर अब कर देता हूँ मेरा पीछे, देखो अभी बेसिक इंट्रो देख लिया हमने, अब आगे वाला देखो। सेल वर्ड जिसको हमने साथ के साथ बेसिक यूनिट भी कहा, ये आई कहां से, मींस फर्स्ट कंसेप्ट बनता है डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ हम स्टोरी जानते हैं, पहले बहुत पहले नाइन्थ क्लास में पढ़ते भी इस बात को, 1665 नाम सुना हुआ आपने, पहुंच गए रॉबर्ट हुक। ये एक बार स्टडी कर रहे थे, इनका थोड़ा मन बना तो इन्होंने स्टडी करने के लिए सबसे पहले ये इंटरनली देखना चाहते थे कोई भी स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो ये करते हैं, वहां से एक बार इनका मूड बनता है, पेड़ की छाल लेके आते हैं उतार के। और उस पेड़ की छाल में से भी एक स्लाइस निकाल लेते हैं, कॉर्क की, कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। अंदर स्टडी करने के लिए सीधी बात है माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, और वो माइक्रोस्कोप अपना एक खुद का डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, और फिर ये पेड़ की छाल में से कॉर्क का टुकड़ा निकाल के उसके अंदर सिर्फ स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से। तो इनके अंदर इन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जब स्क्रीन पे अभी देख रहे हो जिस टाइप से, या आप इसको कह सकते हो आपने हनीकॉम देखा होगा, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर आप छोटे छोटे छेद देखते हो, उस टाइप को उनको दिखाई दिया। उस टाइम वो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि इस पूरे स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मली ये चीज सेपरेट है, हर जगह पे है, जितना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इसी से बना हुआ दिखाई दे रहा है। सो कोई पार्टिकुलर नाम ना होने की वजह से उन्होंने इसको सेल कहा। सेल क्यों कहा, सेल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है ए स्मॉल रूम। छोटा पोस्ट कह सकते हो, छोटा कमरा। तब इनको इतना दिखाई दिया कि छोटे छोटे कमरे हर जगह बने हुए हैं पूरे स्ट्रक्चर में, तो उन्होंने कह दिया एक सेल है। बाद में ये पता भी चलता है हमें कि वो सेल एक्चुअली डेड सेल थी, पेड़ से अलग हो चुका था, कट के मृत कोशिका थी। ये सारा डिस्क्रिप्शन 1665 में अपनी बुक लिखते हैं माइकोग्राफिया। उस बुक में लिख के देते हैं सारी बातें, बताते हैं कि एक बार मैंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, पेड़ की छाल लेके आया उसमें स्टडी करने के लिए, कॉर्क का टुकड़ा बाहर निकाला, और जब स्टडी करके मैंने देखा तो मुझे ये चीज मिलेगी हर जगह। उसके अंदर छोटे छोटे पोस्ट स्मॉल रूम टाइप के बने हुए हैं, और उसको लैटिन वर्ड सेल उन्होंने नाम दिया, वो एक डेड सेल थी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, इस सेल की डिस्कवरी मानते हैं। इससे जब आगे बढ़ोगे आप तो बात जाती है 1674 पे, और नाम आता है लियोनॉर्क का। अब सेल वर्ड मार्केट में कैसे आ चुका था, लोग जानने लगे थे, तो उन्होंने फर्दर स्टडी किया और ये तालाब का जल लेके आए। उस जल के अंदर ऑटोमेटिकली जब ये लेके आए थे बैक्टीरिया प्रेजेंट था, जो जिंदा था। सो यहाँ नाम बदल गया लियोनहॉक, लिविंग सेल की डिस्कवरी की इन्होंने। ये तालाब का जल लेके आए, उसके अंदर बैक्टीरिया था, और सेल बैक्टीरिया की होने की वजह से ये भी कहते हैं कि लियोनहॉक ने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की। लियोन
नो को लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया और यू नो को बैक्टीरिया की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया 1674 में। इसके साथ साथ लिविंग सेल की वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये भी यूनो के नाम और बायोलॉजी में सेकंड नेम साइंटिस्ट नेम का ज्यादा रोल है, ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स फोकस करें। इसके साथ साथ थोड़ा और जब आगे चलेंगे तो आगे चल के सेल थ्योरी आती है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी स्लाइडर सॉन इन्होंने दी। इन्होंने इस सेल थ्योरी में दो बातें कही हैं। पहली, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो आप बार बार सुनते आ रहे हो, मूलभूत इकाई है। वो बात सेल थ्योरी के अंदर पहली बार कंक्लूड होती है। सेकंड, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में मैं नोट बोल देता हूँ, कर लेना नोट। वो कहना चाहता है सजीव की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, एक ऐसा जो आप देखते हो स्ट्रक्चर कैसा बना है किसी ऑर्गेनिज्म का, पहली बात वो किस टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ह्यूमंस के अलग है, एनिमल्स के अलग है, प्लांट्स के अलग है, ये सारा उनके सेल में डिपेंड करता है। ये बातें सेल थ्योरी में बताई गई। इस बात को थोड़ा सा आगे, ये इससे आगे नहीं चल पाए थे, मतलब ये नहीं बता पाए थे सेल आती कहाँ से। ये बात जाती है 1885, एक और साइंटिस्ट का नाम जुड़ता है इससे, विरचाओ। इन्होंने पहली बार कोशिका विभाजन किया, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन क्या लिखा ना, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इन्होंने ये बात देखी कि जब कोशिका, एक कोशिका के दो टुकड़े हुए, वो दोनों कोशिकाएं पहले से निकली थी, तो इन्होंने इस बात को ऐड कर दिया आगे चल के कि जितनी भी कोशिकाएं आज आप देख रहे हो वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बन के आई है। एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी का एक पार्ट माना गया और सेल थ्योरी को तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। फिर ये दो एक साथ जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट कहा, और सेकेंड वाले ने ये कहा कि जितने सेल आज आप देखते हो वो सारी प्री एग्जिस्टिंग पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी है। यहाँ तक की बातें फैक्चुअल चली, और सेल का स्ट्रक्चर क्या है ये हम देखते हैं। अब देखो, अब तक जो बातें वो देखी, कुछ एक फैक्ट्स और इसमें ऐड कर लेते हैं जो जरूरी है। वहां तक के नाम तो हमने देख लिए, सेल थ्योरी तक की बातें हमने देख ली, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सेल थ्योरी ये कहती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हो सेल की वजह से है, लाइफ स्ट्रक्चर फंक्शन और पुरानी से नई सेल बनना, ये सब कोशिकाओं के काम है, ये जिंदगी कोशिका की वजह से बनती है। बट यहाँ एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद का मतलब वही होता है कि जो आप सीखते हो उसका एंटी वर्क करना, उसके अपोजिट चलना। इसका एक्सेप्शन है वायरस। हम ये कहते हैं कि लाइफ सेल की वजह से, और वायरस के बारे में सब सुनते हैं वो वायरल हो जाए, धीरे धीरे वायरल पीक पे जाता है, वो वायरस बाहर नहीं होता, बाहर वो पीक पे नहीं चलता। वायरस ऐसा नहीं कि हवा में बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं, वायरल हमारे अंदर जाके ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन उसका अंदर होगा। इसका मतलब वायरस एक कोशिका है, ये कोशिका दूसरी लाइफ में जाके स्टेबल हो रही है, जबकि कोशिका की थ्योरी ने ये कहा कि पहले कोशिका फिर लाइफ। ये कह रहा है पहले मुझे लाइफ दो, कोई ह्यूमन बॉडी चाहिए उसके अंदर मैं जाऊंगा, कोई एनिमल बॉडी चाहिए उसके अंदर जाऊंगा, फिर जाके रिप्रोडक्शन करूंगा। इसका मतलब उसका एक्सेप्शन हुआ, और इसी बात की वजह से वायरस को हम सजीव और निर्जीव वजह से हम कहते हैं। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कनेक्शन है, इनके बीच का लाइफ और डेड, ये दोनों टाइप के रोल प्ले करता है। यहाँ पे बॉडी के बाहर डेड होगा, बॉडी के अंदर ये लिविंग होगा, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और भी देख लेते हैं यहाँ पे। एक पॉइंट ये भी होता है, और सबसे बड़ी सेल सबसे छोटी सेल ये भी काफी जरूरी है।
आप लार्जेस्ट हो जाए इसको बिगेस्ट कहो, बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। होप थोड़ा बहुत ये नाम आपको ध्यान भी रहे। ऑस्ट्रिच एग, स्तुर्मुर्गकांड, कभी कभार जरूर नहीं हर टाइम आए बट लोअर लेवल एग्जाम्स टाइप में इनका साइज भी पूछ देते हैं, 170 × 130 mm। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट देख सकते हो नेकटाई से, कुछ को आप नहीं देख पाते। ऐसे ही मुर्गी का अंडा जो आप देखते हो वो भी यूनिसेलुलर है, ये बात ध्यान रखना, वो एक सेल बड़ा होने की वजह से वो दिखाई देता है हमें। सबसे बड़ी की बात छोटे की भी कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्म। गैलीसेप्टिकम, ये 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन के बीच ये साइज है इसका, और ये एक बैक्टीरिया है, ये बात आपके ध्यान रहे, ये एक जीवाणु कोशिका है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, BPLA के नाम से आप पढ़ते हो बुक्स के अंदर इसको, 0.1 से 0.5 माइक्रोन, ये स्मॉलेस्ट है, बिगेस्ट होगी स्मॉलेस्ट होगी, और कभी कभार यहाँ लॉन्गेस्ट पूछते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी, ये हमारी बॉडी के अंदर बनते नर्व सेल। तंत्रिकाओं का बहुत बड़ा जाल हमारे अंदर है, तंत्रिका कोशिका, ये हमने सेल के बारे में भी सारी विजुअल इंफॉर्मेशन देखी। इसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर क्या है और ये फंक्शन करेगा कैसे, ये हम पार्ट टू में देखेंगे। अगर वीडियोज आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज अपने रिकमेंडेड टॉपिक कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ये अपलोड कर दीजिए।